अरे अरे रेखा जी, क्या बात है! आप आई तो है हमसे बात करने, लेकिन आप तो कुछ बोली नहीं रही हैं। क्या बात है, आज कौन सी पॉजिटिविटी है आपके चुप रहने में? तो सबसे पहले तो जय श्री दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिविटी विद रेखा। जी हाँ, पॉजिटिविटी, एक अच्छी और सकारात्मक सोच। दोस्तों, मेरे चुप रहने से आप ये सोचने लगे कि ऐसा क्यों क्यों रेखा जी चुप हैं? दोस्तों, मैं यही बताना चाहती हूँ कि चुप रहना, मौन रहना एक बहुत बड़ी शक्ति है। शक्ति चुप रहकर? भाई वो कैसे रेखा जी? लुक फ्रेंड्स, जब हम अक्सर बोलते रहते हैं, अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, या फिर अपनी सफाई में कुछ कहते हैं, अपनी स्थिति को, अपने विचारों को या अपनी सोच को सामने वाले को समझाना चाहते हैं, तब शायद वह सामने वाला हमारी बात को, हमारी सोच को महत्व नहीं देता। वह केवल अपनी बात को ही ऊपर रखता है, चाहे वो अहंकार के वश हो, ईगो के वश हो या फिर किसी और कारण से। तब हम सही होते हुए भी गलत साबित हो जाते हैं। हम हमेशा लगे रहते हैं अपने आप को सही साबित करने में, फिर चाहे वो हम कैसे भी करें, बोल कर, समझा कर, कैसे भी, लेकिन सामने वाला समझने को तैयार ही नहीं होता। जबकि गलती सामने वाले की ही होती है, फिर भी वह हमसे करता है केवल बहस, आर्ग्यूमेंट, बिना वजह का, बिना लॉजिक का। क्या गुजरती है हमारे ऊपर, हमारे दिल पर, हमारी भावनाओं पर? हम अपने दुख को समेटे रहते हैं अपने ही अंदर, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि हम सही होते हैं। तो इस सारे चक्रव्यूह से निकलने का एक उपाय आप सबको मैं बताने जा रही हूं। हमें अपने आप को शांत कर लेना है, चुप कर लेना है अपनी आवाज को। हमें उस व्यक्ति से ना तो कोई बहस करनी है, ना ही आर्ग्यूमेंट करना है, तर्क वितर्क कुछ नहीं। और सबसे अहम बात कि खुद को साबित भी नहीं करना है, क्योंकि हम जानते हैं हम सही हैं। हम क्यों गिल्टी फील करें? देखिए, बात यहां पर ये अहंकार की नहीं है, बात यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट की है। क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि अक्सर बहस करने वाले व्यक्ति आपको अपने लेवल पर ले आएंगे और आप ही को गलत ठहरा देंगे, साबित कर देंगे अपने बिना वजह के, बिना लॉजिक के तर्कों से। तो उसी समय, उसी क्षण इस मौन की शक्ति को, शांत रहने की शक्ति को अपना लेना है। रिएक्ट नहीं करना है किसी भी तरह से, गुस्सा नहीं होना है, क्रोध नहीं करना है, जवाब नहीं देना है, बस स्माइल करना है प्यारी सी, या फिर चुप रह जाना है, कुछ नहीं बोलना है। शक्ति को अपनाने के बाद हमारे अंदर आ जाता है एक आत्मविश्वास, सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी आत्मनिर्भरता, और सामने वाला व्यक्ति छटपटा जाता है। कहते हैं कई बार हमारे शब्दों में भी उतनी ताकत नहीं होती, हमारे शब्द भी उतने असरदार और प्रभावशाली नहीं होते जितनी हमारी होती है चुप रहने की शक्ति। हमारा मौन, हमारा शांत रहना, चुप रह जाना, नो रिएक्शन, शायद आप सब भी सहमत होंगे, या फिर कभी आजमा कर देख लीजिए। जब सामने वाला अपने आप को नहीं बदलता ना, तो फिर क्या करना है?
हमें अपने आप को बदलना है भाई। जितनी कोशिश करनी है, जितनी एनर्जी लगानी है, वो हम खुद पर लगाएंगे ना, खुद को बदलेंगे ना। हमारा ये जीवन हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत उपयोगी है। हमें इसे अपने तरीके से हमेशा एंजॉय करना है, मस्त रहना है। मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, ऐसे ही किसी सुंदर से पॉजिटिव विचार के साथ, अपनी बातों के साथ, ऐसे ही मुस्कुराते हुए और हंसते हुए।